और अभी हम लोग बदायूं में हैं, यहाँ हमें काफ़ी वन्य जीवन देखने को मिला। ये बंदर हैं, बहुत शैतान, खाना खा रहे हैं। और इधर एक मोर की फैमिली आप सामने देख रहे हैं, तीन बच्चे हैं, मोरनी हैं, बहुत खूबसूरत बच्चे इनके। और चारों की मम्मी खिला रही इन्हें दाना, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो पहली बार देखा है मोर के बच्चे, मैंने पहले सोचा तीतर हैं, लेकिन जब मोरनी देखी साथ में तो आइडिया हुआ कि भाई ये मोरनी के बच्चे हैं। और इधर भी काफ़ी मोर दिख रहे हैं, और चारों की मम्मी खेतों का मुआयना कर रही हैं, भिंडी लगी हैं और बड़े ध्यान से देख रही हैं, ताजी शुद्ध भिंडी खाने को मिलेंगी। बहुत ही हरा भरा कैंपस है, बहुत ही सुंदर। और अब जो है चारों की मम्मी दूसरे कोने में दिखाई दे रही हैं, बहुत ही मेंटेन है सारा, बहुत ही अच्छा लॉन गार्डन। और अब चारों की मम्मी चले गए हैं दूसरे कॉर्नर में। तो हम लोग यहाँ रुक के अब निकल पड़ेंगे मुक्तेश्वर के लिए, और आपको दिखाते हैं बहुत ही शानदार मुक्तेश्वर की वादियाँ। अब हम पहुंचने वाले हैं लाल कुआं, चले थे बरेली से, और बरेली में हमें मार्केट बंद मिला जहां से हमें गाला स्टोर से काफ़ी चीज़ें लेनी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमने ले ली हैं, ब्लैंकेट ले लिए हैं। कुछ बोलेंगे चारों की मम्मी? तो अब हम हल्द्वानी से थोड़ा सामान और लेंगे, और इस बार हमारा लंबा ट्रिप लग गया है। कुछ सामान मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ अब हल्द्वानी से लेंगे, तब शाम को पहुँचेंगे मुक्तेश्वर, फिर आपको अब रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे। बार हम गए थे बदायूं, और चारू के पास भी गए थे अपनी बेटी के पास, और अब हम वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो काफ़ी मतलब लंबा सफ़र हो गया हमारा इस टाइम पे। और अब हम पहुँचने वाले हैं हल्द्वानी, लाल कुआँ से निकले हैं। ये रोड भी बहुत अच्छी बन गई है, कुछ महीने पहले तो रोड ये बहुत ख़राब थी, लेकिन अब फोर लेन बन गई है, बहुत जल्दी हल्द्वानी पहुँच जाते हैं इस रोड के बनने से। कुछ बोलेंगी? जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं पहाड़ की तरफ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे बरेली में बड़ी गर्मी मिली थी, और दो तीन दिन की बारिश जो है वो यहाँ भी लगी रही, बदायूं, एटा, बरेली, तीनों जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों, तो हम लोग आ रहे हैं बदायूं, एटा और बरेली से, और काफ़ी चीज़ें लेनी थी हम लोगों को, लेकिन बरेली का मार्केट बंद था, वीकली क्लोज था, लेकिन फिर भी हमने ब्लैंकेट लिए और भी काफ़ी चीज़ें ली हैं, हल्द्वानी से काफ़ी सामान लिया है। कोलिकोट से होते हुए भवाली आ रहे हैं, मुक्तेश्वर आएंगे, रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे आपको। कुछ बोलेंगे चारों की मम्मी? जलीकोट का रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, और हम लोग हमेशा इसी रास्ते से जाते हैं। और आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, ये हल्द्वानी नैनीताल रोड है। जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि हम भवाली आते हैं वाया जोलीकोट होते हुए,
और आप देख रहे हैं अब हम लोग चल रहे हैं भवाली की ओर। रास्ते में काफ़ी सारे रिजॉर्ट होटल भी पड़ते हैं जो और भी सुंदर बनाते हैं। और देखिए राइट साइड में बहुत ही एक हेरिटेज घर दिख रहा है, हमें हमेशा अच्छा लगता है इधर से आना। और जाते हमेशा हम भीमताल होते हैं, यदि हमें हल्द्वानी आना होता है तो हम लोग हमेशा भीमताल वाले रास्ते से हल्द्वानी आते हैं, लेकिन जाते हैं हम जोलीकोट होते हुए भवाली। और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में एकदम कोहरा छा गया है सामने। तो दोस्तों मैं आपको लोकेशन बताना चाहूँगा, यहाँ कानियाल रेस्टोरेंट है। तो अभी हम लोग आम पड़ाव में हैं, भवाली जा रहे हैं जोलीकोट होते हुए। तो यहाँ कानियाल जी का रेस्टोरेंट है, यहाँ हमने भी खाना खाया, बहुत ही अच्छा खाना है इनका। कभी आप लोग हल्द्वानी जा रहे हैं या हल्द्वानी से नैनीताल आ रहे हैं तो ज़रूर रुके इनके यहाँ, बहुत ही बढ़िया खाना। और निक्कू आ रही है, कैसा लगा निक्कू को खाना? इधर देखो कैसा लगा, ठीक था? तुम बताओ भाई, बढ़िया। तो अभी हम लोग आम पड़ाव में हैं और भैया जी का यहाँ रेस्टोरेंट है कानियाल जी का, बहुत ही बढ़िया खाना है इनका। आज हमने यहाँ फिर दाल चावल ही खाया शाम को, ऐसे नॉनवेज भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आप कभी यहाँ आएँ, नैनीताल जा रहे हैं या हल्द्वानी जा रहे हैं तो ज़रूर कानियाल रेस्टोरेंट में आएँ और बहुत अच्छा खाना बड़े प्यार से खिलाते हैं। और अब यहाँ से लेफ्ट को चले जाएंगे नैनीताल, लगभग 12-13 किलोमीटर है, और सीधे हम चले जाएंगे भवाली के लिए आ रहे हैं जो कि यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, उम्मीद है आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको प्राकृतिक नज़ारे दिखाते हुए चलें, बहुत ही सुंदर लगता है। अब यहाँ से लगभग हमें भवाली जाने में 30 मिनट और लगेगा। और ये मेरे आप राइट साइड में देख रहे हैं, इधर कोई कॉलोनी है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, सामने आप पायलट बाबा का आश्रम देख रहे हैं, अभी उन्हीं के सामने से हम लोग गुजरेंगे। यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, कई मंदिर भी हैं अंदर, दुर्गा मंदिर है, कालिका मंदिर है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और देखें हनुमान जी का कितना बड़ा स्टैचू है सामने, यही पायलट बाबा का आश्रम है। काफ़ी भीड़ रहती है, ये भी एक तरह का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत लोग यहाँ आते हैं। तो अभी हम दोस्तों खड़े हैं भवाली से पहले पायलट बाबा के आश्रम के पास, और बहुत ही अच्छा मौसम है आजकल, बारिशें बंद हो गई हैं। बीच में 2 दिन की बारिश लगी थी लेकिन उसके बाद मौसम खुल गया है। कुछ कहेंगे चारों की मम्मी? तो अब काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है और अब हम लोग भी मतलब चले गए थे यहाँ से थोड़े 2-3 दिन के लिए और अब वापस आ गए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर आइए अपना घूमने का रखिए। आजकल पहाड़ में बहुत सुंदरता है, झरने जगह जगह झरने बह रहे हैं, जहाँ भी देखो जिस सड़क से जाओ। तो चलिए मैं एक आपको दिखाता हूँ बहुत ही सुंदर दृश्य। उस सामने आप देख रहे हैं हल्के बादल लगे हैं, कोहरा भी छाया हुआ है। और अब हम भवाली के पास पहुंचने वाले हैं, बहुत ही कोहरा छा गया अचानक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमेशा कोहरा पहाड़ों में अच्छा लगता है, उससे पहाड़ों की एकदम सुंदरता बढ़ जाती है। अचानक कोहरा, और एक्चुअली कैमरे में तो ये बहुत कम दिख रहा है और वैसे एकदम बहुत ज़्यादा कोहरा है सामने।
और फिर अचानक एकदम बहुत कोहरा छा गया है। अभी भवाली यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर है, और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर लगता है कोहरे में, और आप लोग भी ज़रूर आने का कार्यक्रम रखें। बारिशें यहाँ बंद हो गई हैं और अब हम पहुँच गए हैं भवाली में। यहाँ भी बहुत कोहरा लगा है, पहाड़ों में वाकई में पता नहीं होता कब बारिश हो जाए, कब कोहरा हो जाए, कब धूप निकल जाए। और अब हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे रामगढ़। कई बार अक्सर देखने में आया कि रामगढ़ में कोहरा नहीं होता है, तो थोड़ी देर में हम लोग पहुंचते हैं रामगढ़। और देखिए यहाँ मौसम एकदम साफ हो गया है, सामने आप देख रहे हैं हिमालय दर्शन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हम अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। उम्मीद है आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। और आजकल हिमालय दिखना शुरू हो गया है लगभग 15 सितंबर से, और अब अप्रैल तक आपको हिमालय के दर्शन हो सकेंगे। यदि आप लोग हिमालय दर्शन करना चाहते हैं, प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, तो ज़रूर अपना आजकल में आने का प्रोग्राम बनाएं। बारिशें तो अब लगभग बंद हो गई हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है सामने। ऐसे ही हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगते होंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। हम पहुंच रहे हैं आज अपने घर मुक्तेश्वर, बदायूं, बरेली। काफ़ी सामान हमने ख़रीदा होम स्टे का, और बताएंगे चारों की मम्मी। तो आज का सफ़र हमारा बहुत लंबा सफ़र रहा, और सामान भी हमें मिल गया सारा, और जो होम स्टे के लिए हमने ख़रीदा है, जो कि शुरू हो चुका है हमारा होम स्टे। तो अब हमारा होम स्टे भी शुरू हो गया है, आपका स्वागत है। 2 रूम हमारे तैयार हैं, पहाड़ी सफारी कॉटेज हम लोगों ने नाम रखा है, और इसकी हम लोग बराबर आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं टैरिफ के बारे में भी। अभी मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसका 2500 रुपये रखा है, और उसमें जो ब्रेकफास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कुछ लास्ट में कहेंगी चारों की मम्मी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही।